नमस्कार, डीडी यूपी में आपका स्वागत है। चर्चा में कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूं मैं रामेंद्र सिंह। मोदी सरकार कृषि क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए पिछले समय से ही लगातार काम कर रही है। पिछली सरकार में भी किसान सम्मान निधि, सिंचाई और उर्वरक के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। जो समस्याएं किसानों की शेष रह गई थी, उन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने पिछली सरकारों द्वारा पारित कानूनों का अध्ययन किया और समितियों की रिपोर्ट को संज्ञान लेने के बाद नए कृषि कानून में बदलाव किया है। ये कृषि कानून किसानों के हित में है, सरकार ये जिम्मेदारी के साथ सदन में कहकर आई है। विपक्ष कुछ प्रदेशों के किसानों को उकसाकर लंबे समय से आंदोलन की भूमिका बना रहा था। आज किसान आंदोलन को सहयोग देने के लिए विपक्षी दल साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। राजनीति अलग है और कृषि अलग है, किसान अलग है। किस राजनीति राजनीति के लोग क्षेत्र के लोग करें, लेकिन किसान को कम से कम राजनीति से अलग रखें और जो उनके हितों की बात करने वाली सरकार है उससे संबंध विच्छेद न कराएं, क्योंकि सरकार लगातार संवाद करना चाहती है। सरकार चाहती है कि समस्याओं का समाधान टेबल पर बैठकर वार्ता के माध्यम से हो। आज गृहमंत्री ने 7 बजे कुछ जो किसान के प्रतिनिधि हैं, किसानों के प्रतिनिधि हैं, उनको बुलाया, वार्ता करेंगे। इस सब चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। अजय प्रकाश जी हैं जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं, विजय उपाध्याय जी हैं जो किसान आंदोलन को लंबे समय से देख रहे हैं और परख रखते हैं। इन दोनों लोगों से चर्चा की शुरुआत करते हैं। विजय जी, लंबे समय से पंजाब में तो लगभग एक महीने तक पूरे रेलवे ट्रैक बंद रहे हैं, उसके बाद अब उन्होंने मूव किया, दिल्ली आ गए हैं। 8-9 दिन से दिल्ली की सरहदों पर बैठे हुए हैं। क्या लगता है कि जो किसानों का भारत बंद है और जिस तरीके से विपक्ष ने सहयोग किया है, तो इस आंदोलन को किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, किसानों को कुछ आशंकाएं हैं जी, तो किसान इसलिए खासतौर पर पंजाब और पंजाब के किसान आंदोलित हैं जी। उन आशंकाओं का जो सबसे बड़ा उनको डर है कि शायद MSP खत्म हो जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसकी वजह से पंजाब में सबसे ज्यादा खरीद होती है। बिल्कुल, सरकारी खरीद होती है, सरकारी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पे ही होता है। 67 में जब हरित क्रांति शुरू हुई थी तो उस समय ये प्रोविजन किया गया था कि जिन इलाकों में सिंचाई की बेहतर व्यवस्था थी वहाँ सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जहाँ हाई यील्ड वैरायटी और उर्वरकों का प्रयोग और ज़्यादा फसल, कम समय में पकने वाली फसलें, तो वो नॉर्मन बोरलॉग ले आए थे, तो वो शुरुआत हुई, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा खरीद इसलिए करनी पड़ी थी उस समय कि भारत के दूसरे हिस्सों में ज़रूरत थी अनाज की, जहाँ सिंचाई के साधन नहीं थे। अंग्रेजों ने हर जगह सिंचाई के साधन नहीं बढ़ाए, प्राकृतिक तौर पर हर जगह सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं थे। परिदृश्य बहुत बदल गया, अब हम सरप्लस स्टेज में है, यानी खाद्यान्न में हम सरप्लस पैदा करते हैं। पंजाब सबसे ज्यादा सरकारी खरीद का केंद्र है, फिर भी हरियाणा है, उसके बाद मध्य प्रदेश बन गया है और तीसरा उत्तर प्रदेश है। लेकिन सबसे ज्यादा जो गेहूं और धान की पैदावार है उत्तर प्रदेश में होती है, 360 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। पंजाब में करीब 1.5 लाख मीट्रिक टन पैदा, 150 लाख मीट्रिक टन पैदा होता है, जिसमें से 1,25,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा तो परचेज हो जाता है। और वहाँ 2.5% कमीशन भी दिया जाता है, MSP के ऊपर जो है 2.5% कमीशन दिया जाता है खरीदारी करने वालों को। तो वहाँ पूंजीवादी खेती है, एक चेन है, पूंजी उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। और वहाँ जो लेबर काम करते हैं उसमें भी बिहार और उत्तर प्रदेश के बहुत ज़्यादा हैं। और अब चूंकि मैकेनाइज फार्मिंग हो रही है तो चीज़ें बदल गई हैं, तो लेकिन ये इनकी आशंका है, क्योंकि सरकार MSP बंद कैसे कर सकती है, क्योंकि एक न्यूनतम समर्थन मूल्य तो रखना पड़ेगा ना। जैसे तमाम चीजों की MRP तय की जाती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वैसे ही आपको एक न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार भी रखेगी, क्योंकि चाहे कारपोरेट आ जाए या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो या किसान खुद पैदा करे, लेकिन बाजार के मूल्य क्या होंगे उसमें सरकार तो तय करेगा, लेकिन बाजार तय करेगा, सरकार का हस्तक्षेप होगा, क्योंकि न्यूनतम से नीचे न जाए, ऊपर जाने के बाद फिर हस्तक्षेप सरकार करती है। तो ये जो इशू है इसको गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। आशंका, जैसे प्रधानमंत्री ने वाराणसी के दौरे में अपने कहा कि भाई आजकल आशंका के आधार पर कानूनों को लेकर चर्चाएं होती है, तो आशंका करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि जब हम 91 में नई अर्थव्यवस्था में दाखिल हुए, ग्लोबल हमारी इकोनॉमी हुई, तो जो WTO में हस्ताक्षर किया था कांग्रेस सरकार ने, उसमें भी सारे प्रोविजन है, उसमें तो है किसानों की सब्सिडी मिट रखी है, ये सारी, लेकिन नहीं, सरकारों ने इस पे प्रस्ताव किया है, प्रस्ताव किया, शामिल रहे जो प्रस्ताव रहे। पूरे देश में 6% किसानों का
जो अनाज है जो एमएसपी में 23 फसलें हैं उनका 6% किसानों का एमएसपी पर खरीद होती, उसमें 80% खरीद पंजाब और हरियाणा में होती, जाहिर है बिहार उत्तर प्रदेश में भी मिनिमम खरीद होती। इसलिए आंदोलन की रणनीति भी पंजाब में बनी, क्योंकि पंजाब में एक चेन है जिसकी बात विजय जी कर रहे थे कि 2.5% और दिया जाता है, तो इस तरीके से जो पूरी चेन है वो डिस्टर्ब हो रही है, उसमें ट्रांसपोर्टर्स हैं, बिचौलिए हैं, मंडी परिषद है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो उनको लगता है कि ये खत्म हो जाने। लेकिन इसमें एक चीज़ और है रामीण जी, वो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि आजकल क्या है, खेती में सरलीकरण लोगों ने कर लिया कि हमें क्या जरूरत है तमाम हिस्सों को देश के, उसके बजाय लोग देखते हैं कि हम आसानी से क्या काम कर सकते हैं और खेती को बोझ मानता किसान। ऐसे देखा जाए तो किसान तमाम बातें करेगा, लेकिन जब खेती की बात करें कि भाई आप जरा डाइवर्सिफिकेशन करिए, अपनी खेती में विविधता ले आइए, तो वो नहीं करता, वो गेहूं बोएगा, गन्ना बो देगा, उसके बाद आराम करेगा, ऐसा नहीं है। आपको अलग अलग तरीके की खेती करनी पड़ेगी, केवल गेहूं और धान के भरोसे न रहे, बहुत ऐसी फसलें हैं, आलू पर एमएसपी नहीं है, प्याज पर एमएसपी नहीं, मिर्चे पर एमएसपी नहीं है, वो भी फसलें बेहतर रेट में बिक रही हैं, केवल एमएसपी के सहारे ही जीवन चलेगा ऐसा संभव नहीं है। 20% लोगों का सेवा क्षेत्र है अजय जी, और GDP 60% उसकी, 50% लोग कृषि क्षेत्र में काम करते हैं, GDP 16%, कैसे बढ़ेगी ये? देखिए असल में इस वक्त बीच में जैसे भी बात कर रहे थे, खाली जो है वो पुरानी तरीके कमोडिटी की तरीके से अगर हम एग्रीकल्चर को देखते रहेंगे तो हमारा जो है GDP पे एनहांसमेंट नहीं हो सकता। एक छोटी सी फिगर देना चाहूंगा कि पिछले वर्ष सितंबर 2019 में 5,114 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ था, जबकि इस वर्ष 2020 में सितंबर में ये एक्सपोर्ट जो है 9,296 करोड़ रुपए का हुआ है। अब चाहे इसको आप कोरोना काल की वजह से मान लीजिए कि जो है हमारा किसान ज्यादा मेहनत कर सका, या ये हम मान लें कि हमारी जो पॉलिसीज थी उसके अंदर हमारी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी इस तरीके की बनी जिस पॉलिसी की वजह से हम 81% इसको एक्सपोर्ट को बढ़ा सके। आप थोड़ा सा और भी ध्यान दीजिए इस चीज के ऊपर कि जितनी भी हमारी नई पॉलिसीज बन रही हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बन रही हैं, हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की भी बात अलग अलग जगह पे कर रहे हैं, उन जगहों से अगर हम इसको मिलाएं तो हमने कहीं पे ये भी कहा जैसे हमारा एक खास जगह का चावल है काला नमक, तो आप उसको बनाइए, उसको प्रोड्यूस करिए और हम उसके अंदर एक तरीके का जियोलॉजिकल इंडिकेटर डाल रहे हैं जिससे अब आप उसका जो है दाम भी बढ़ा सकते हैं। चंदौली के चावल 300 रुपए किलो जा रहा है। जी जी जी, और मैं आपको और भी बताऊं, इतना ही नहीं है, हम गाय की बात करते आए हैं, हम एग्रीकल्चर को सिर्फ जो है वो खेती से नहीं मानते, वो फ्रॉम फार्म टू प्लेट होता है, उसके अंदर गाय का दूध अभी दिल्ली में कई जगहों के ऊपर 200 लीटर का भी बिक रहा है, वो ऑर्गेनिक दूध है जो कि 100% ऑर्गेनिक है, घी जो है वो 2,000 रुपए किलो तक जाता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम इस खेती को किस तरीके से देखें, उसको किस लेंस से देखें, किस नजरिए से देखें, जिससे हम ये समझ सकें कि हम एग्रीकल्चर में GDP बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, हम एक विज्ञापन ले लेते हैं, विज्ञापन के बाद फिर हम विजय जी के पास आते हैं, जो अजय प्रकाश जी ने चर्चा छोड़ी उसको पूरा करते हैं। PSB Alliance लाया है खुशियां आपके घर, कभी आया है डिमांड ड्राफ्ट के रूप में, कभी अकाउंट स्टेटमेंट बनकर, सरकारी बैंक आई है आपके घर खुशियां लेकर, चाहे चेक बुक, कैश विड्रॉवल या जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट की बात हो, PSB डोरस्टेप बैंकिंग करे आपकी जरूरत पूरी। अब बैंक का कोई भी हो काम आप करो आराम, बस कॉल करें या वेबसाइट पर लॉगिन करें या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और PSB डोरस्टेप बैंकिंग द्वारा सरकारी बैंक आएंगे आपके द्वार। कहाँ? कैश विड्रॉ करने और हाँ, जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट लेने। क्यों जोखिम उठा रहे हैं? अब बैंक आएगा आपके पास। हा? तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लूँ? अपॉइंटमेंट आपका हो चुका है बैंक के साथ। बस कॉल करें या वेबसाइट पर लॉगिन करें या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और PSB डोरस्टेप बैंकिंग द्वारा सरकारी बैंक आएंगे आपके द्वार। अब बैंक का कोई भी हो काम आप करो आराम। भैया मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया। वाओ, दैट्स ग्रेट।
अब आप जल्दी से आ जाओ, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है फीस के लिए। समझो मैं आ गया। एक मिनट। कैसे भैया? डोरस्टेप बैंकिंग से। बस कॉल करें या वेबसाइट पर लॉगिन करें या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और पीएसबी डोरस्टेप बैंकिंग द्वारा सरकारी बैंक आएंगे आपके द्वार। कहावत है कि लीक लीक सब कोई चले और लीक के चले कपूत, लीक छाण तीनों चले सायर सिंह सपूत। यानी जो अपने रास्ते बदलते हैं तभी चीज़ें सही दिशा में जाती नहीं, लीक पर तो चल दुनिया चलती रहती, उसी दिशा में चलते रहते। अजय जी ने जो बात छोड़ी विजय जी कि बदलाव जरूरी है, चेंज आना चाहिए कृषि, उसकी बात आप भी कर रहे थे, लेकिन जब चेंज आता है तो राजनीतिक दल किसान आंदोलन में खोई प्रतिष्ठा ढूंढने लगते हैं जिनका जनाधार कम हो गया है, कैसे चलेंगे? बात वही है कि जनाधार आप किस रास्ते से ढूंढना चाहते हैं, दरअसल ये दूसरी बात है। लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि देखिए हमारे जो किसान हैं उनके खेत के आकार बहुत छोटे हैं जी। हमारी जमीन बहुत उपजाऊ होने के बावजूद अगर दुनिया के पैमाने पे देखें तो हमारी जो एवरेज उत्पादन है वो कम है, उसे बढ़ाने की जरूरत है। यानी कम खेती में ज्यादा आप उत्पादन कर सकते हैं जी। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जो आपके बहुत छोटे छोटे खेत के टुकड़े हैं, आड़े तिरछे हैं, आप कोशिश की गई आज से 30 साल पहले की 40 साल पहले की कोऑपरेटिव फार्मिंग से आप उसको ठीक कर लीजिए, गांव में लोग कोऑपरेटिव फार्मिंग करें, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ, उसके बहुत से कारण हैं। लेकिन अब दौर बदला है, प्राइवेट प्लेयर भी आना चाहते हैं तो प्राइवेट प्लेयर अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर करते हैं, यूपी में बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ अभी भी कॉन्ट्रैक्ट खेती हो रही है, किसान अपनी रजामंदी से तुलसी उगा रहे हैं, दूसरे हर्बल्स उगा रहे हैं, आयुर्वेदिक। हमारे आपके बीच में बहुत सारे लोग बहुत से लोग कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। हमारे सुल्तानपुर में तो एक किसान ड्रैगन फ्रूट भी उगा रहे हैं। तो ये जो चीज है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से फायदा क्या होने वाला है, फायदा ये होने वाला है कि किसान के छोटे खेत के टुकड़े इकट्ठे होके एक बड़ा खेत का आकार होगा जहां बहुत अच्छी ढंग से आप वैज्ञानिक खेती कर सकते हैं। जब वैज्ञानिक खेती आप नहीं करेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसलिए जरूरी है। दूसरा, मंडी से बाहर अगर आपको चीज बेचने का मौका है तो क्यों जरूरी है? इस पर कोई सरकार ने रातों रात फैसला थोड़ी लिया, इस पर बहुत लंबे समय तक बहस चली है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में ढेर सारी बातें हुई हैं, मुख्यमंत्री की एक कमेटी थी उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है, तमाम चीजें सोचने समझने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि किसान को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। आप खाली इसी पर बहस होती है ना कि किसान की जो उत्पादन है उसकी लागत का दुगना कैसे मिले, लेकिन जीवन तो उसके आगे शुरू होता है, क्या दुगने होने से ही पर्याप्त हो जाएगा, उसका उसकी आर्थिक जरूरतें हल हो जाएंगी? नहीं, वो दुगने से ज्यादा हमारी जो अब जैसे दुगना हुआ लेकिन पता लगा कि गेहूं का उत्पादन इतना ज्यादा हो गया कि गेहूं का बाजार मूल्य ही नहीं, जैसे इस समय धान की स्थिति है, या फिर गन्ने का इतना ज्यादा उत्पादन हो गया जिसकी आवश्यकता नहीं, चीनी भरी पड़ी है, तो अल्टरनेट फसल क्या हो सकती है? तो अगर गांव के ये कायदे से काम करना चाहिए था गाँव के प्रधान को या गाँव के मुखिया को, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो अब कोशिश ये है कि इसमें कुछ प्राइवेट प्लेयर आएंगे, वो अगर यहाँ तक कि गांव के लोग ही अपनी एक बिल्कुल प्राइवेट कंपनी बना के कॉन्ट्रैक्ट खेती कर सकते हैं, पीओ का दौर है, कंपनी बना सकते हैं, कोई कहने की बात नहीं इसमें, कोई ये नहीं है कोई बड़े पूंजीपति ही आएंगे इसमें, तो गांव का कोई होनहार युवक ही इस काम को कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट खेती करे, नहीं भाई हम तो यहाँ संतरे उगाएंगे क्योंकि हमें नागपुर से संतरा लाना पड़ता है, हम ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे कि हम यहाँ संतरे उगाएंगे, सस्ता पड़ेगा। अब इस समय तुलसी की बहुत डिमांड है, इस समय अश्वगंधा की बहुत डिमांड है, तो कहां से इसकी सप्लाई होगी? तो आपको ढेर सारे ऑप्शन मिले और कानून के तहत आप काम कर सकें, गैर कानूनी काम न करना पड़े, तो आप कानून के तहत करें, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी जरूरी है। और एमएसपी को लेके जो इनकी आशंकाएं हैं, मुझे लगता है शुद्ध निराधार है, बिल्कुल सरकार भी लगातार बात कर रही है, सरकार कह रही है, सरकार भी बात कर रही है, तो जाहिर है कि आशंकाएं जो किसानों की दूर होंगी, आज नहीं होंगी कल होंगी, लेकिन दूर होंगी क्योंकि सरकार, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम गंगा जैसे निर्मल नियत से काम कर रहे हैं किसानों के हित में, इसमें कहीं कोई संकोच करने की जरूरत नहीं। अजय जी, सरकार कह रही है कि निजी निवेश की जरूरत है कृषि क्षेत्र में और वहाँ लोग आना चाहते हैं, जिसकी बात विजय जी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जैसे निजी निवेश की बात करते हैं तो लगता है कि सरकार अपराध कर रही है कि भाई बड़े उद्योगपतियों को बेचे दे रही है सब। भाई बड़े उद्योगपति अगर निवेश नहीं करेंगे तो वहाँ निवेश करेगा कौन? सरकार तो अपनी क्षमता भर कर चुकी और उसका हाल किसान झेल रहे हैं। इतना ही नहीं है जितना आप कह रहे हैं, बल्कि इसके कुछ और आगे भी है। जब सरकार अपनी कोशिश करती है तो किसान एक साथ इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। शायद मैं आपको लखनऊ और आसपास के ही कई सारी जगहों का बताता हूँ, यहाँ के ऊपर इस वक्त
कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने आलू की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग छोटे छोटे किसानों के साथ एक साथ कर ली है। फर्क क्या होता है? फर्क यह है कि किसान उसमें इसलिए इंटरेस्टेड हो जाता है क्योंकि उसको पहले ही अपना जो सेल प्राइस है उसको पहले से पता होती है, जिस वजह से वो कहता है ठीक है अगर तुम हमको बीजा दे रहे हो, तुम हमको टेक्नोलॉजी दे रहे हो, तुम हमारे पास आकर के एक निर्धारित दिन के ऊपर आलू निकाल रहे हो तो हम इस तरीके की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम तुमको देने के लिए हम तैयार हैं और मुझे इसके बाद में इतना पैसा मिल जाएगा, तो वो अपना दाम पहले से तय कर देता है और कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। तो इस तरीके का काम जो है वो एक कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन ही कर सकता है जो उसकी मोडालिटीज को समझ सके। और फार्मिंग का जो एक छोटा पीरियड है वो शायद 3 महीने का होता है, गन्ने के लिए थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन हम अगर गेहूं है, चावल है, बाकी आलू देखें 3 महीने 4 महीने करीब के, तो इसमें हमको बहुत ही एक पैनी निगाह रखनी पड़ती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नेचर की वजह से कोई परेशानी आ रही। ये काम जो प्राइवेट पार्टी है वो ज्यादा अच्छे से कर पाती है और कोई भी उसमें अगर चेंज होता है तो उसके अनुसार किसी तरह की दवाई डालनी है, अकस्मात उसको लोगों को कहीं के ऊपर डिप्लॉय करना है, तो ये काम जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स अच्छे से कर सकते हैं। तो इस जगह के ऊपर जो हमारा प्राइवेट प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो किसान भी उस छोटी जगह के होने की वजह से वो एक्सपेंसेस नहीं कर सकता, लेकिन मतलब अभी भी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो सफल मान रहे हैं किसान जो छोटे स्तर पर कर रहे हैं, जो हैं वो अब पिछले 10 साल से आलू जो है वो दे रहे हैं, ले रहे हैं, अब हम कंपनियों का नाम इस वक्त नहीं बता पाएंगे, लेकिन वो ले रहे हैं और वो वैसे ही आलू है और भी कई इस तरीके की उपज है जो वो कर रहे हैं। बिल्कुल, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर चर्चा में वापस आते हैं। भैया मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया। वाओ, दैट्स ग्रेट। अब आप जल्दी से आ जाओ, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है फीस के लिए। समझो मैं आ गया। एक मिनट। कैसे भैया? डोरस्टेप बैंकिंग से। बस कॉल करें या वेबसाइट पर लॉगिन करें या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और PSB डोरस्टेप बैंकिंग द्वारा सरकारी बैंक आएंगे आपके द्वार। विजय जी, MSP जारी रहे, मंडियां चालू रहें, जिसकी बात सरकार करेगी, MSP भी जारी रहेगी और जो मंडियां हैं वो भी खुली रहेंगी और किसान को प्रसंस्करणकर्ताओं और खुदरा कारोबारियों निर्यातकों से सीधे जुड़ने का मौका मिले, तो इसका विरोध क्यों, किसान क्यों कर रहे हैं इसका विरोध, समझ में नहीं आ रहा कारण। देखिए, किसान इन चीज़ों का विरोध नहीं कर रहे हैं, किसान आशंकाओं का विरोध कर रहे हैं और वो गलत आशंकाएं हैं। दूसरा, आप अपने सेट पैटर्न से, जो परंपरागत तरीका आपने बना लिया, उससे आप अलग नहीं होना चाहते हैं। हर नई चीज का विरोध करना इस देश का फैशन है। चाहे जब राजीव गांधी कंप्यूटर लाए थे तो उसका विरोध किया, जब नई अर्थव्यवस्था आई तो उसका विरोध किया गया, जो भी आप नया प्रयोग करते हैं लोग उससे आशंकित हो जाते हैं। और चूंकि हमारी आजादी को तो इतने 70 साल से ज्यादा हो गए, फिर भी कॉन्फिडेंस लेवल अभी लगता है लोगों का थोड़ा कम है। जहां तक एग्रीकल्चर की बात है, आप देखिए तमाम चीजों में प्राइवेट प्लेयर हैं, चाहे बीज हो, चाहे उर्वरक हो, या मंडी के बाहर खरीदारी भी है तो उसमें भी प्राइवेट प्लेयर हैं। किसान को डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों इसलिए नहीं डरने की, किसान बहुत बड़ी ताकत है, वोट बैंक है और कोई भी सरकार कोई ऐसा कानून कभी नहीं बना सकती जो किसानों को अहित करे। एक बात। दूसरा, किसान क्या, देखिए किसान अगर इतनी ढेर सारी सुविधाएं दी गई और सरकार ने ढेर सारे हस्तक्षेप किए एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन होता क्या है कि ये सारा सिस्टम करप्शन में चला जाता है। मैं एक जर्नलिस्ट के नाते भी जानता हूं कि किसान के लिए जितनी सुविधाएं दी जाती हैं, चाहे राज्य सरकार दे चाहे केंद्र सरकार दे, किसानों के बेटे ही उसे लूट लेते हैं। बेटे के मतलब जो सरकारी नौकरियों में है, पता लगा कि उनको जो जिस क्वालिटी का बीज दिया जाना है उस क्वालिटी का बीज नहीं देंगे, जिस क्वालिटी का पेस्टिसाइड दिया जाना है उस क्वालिटी का पेस्टिसाइड नहीं दिया जाना। गवर्नमेंट अभी भी बहुत से जगहों पे सरकारी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड डालने के बाद फसल को दुगना नुकसान हो जाता है। तो इन चीजों पे अब करप्शन हो रहा है, तो ये जो पैसा सरकार का खर्च हो रहा है लेकिन किसानों को लाभ नहीं हो रहा है, तो इसका क्या तरीका हो सकता है? इसका मेथड ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति, चाहे गांव का हो, शहर का हो, या उस प्रदेश का हो, या देश का हो, वो अगर ये तय करता है कि हमें खेती ही करनी, हमारा उद्योग खेती होगा, और वो तय करता है कि भाई ठीक है, ये इन फसलों की, अब जैसे ब्रोकली है, जैसे शिमला मिर्च है, जैसे मटर है, सीजन में मटर आई तो उसके रेट कम होंगे, सीजन के पहले आएगी मटर के रेट ज्यादा होंगे,
गोभी सीजन में आएगी तो रेट कम हो जाएंगे, सीजन के पहले आ गई तो रेट ज्यादा होंगे, तो ये कौन तय करेगा? आप किसान से कहेंगे, किसान कहेगा भाई हमारे पास तो लेबर ही नहीं, हम कैसे काम करें? अभी अभी मिर्च की खेती होती है, उन्नाव और रायबरेली के कई हिस्सों में जबरदस्त मिर्च होती है, लेकिन पता लगा अब मिर्च इस समय जब हो रही है तो पंजाब में बिकेगा, और जब लाल मिर्च आती तो सड़ जाती कोहरे में, और उसका कोई स्टोर करने की सुविधा ना प्रोसेसिंग है, तो ये अगर हम मान लीजिए कोई एक व्यक्ति जो खेती के बारे में जिसने पढ़ा लिखा है समझा है, वो गांव के अपने बुजुर्गों के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है, 50 लोगों के खेत को जोड़कर एक बनाता है और तय करता है कि भाई इसमें हम इस वैरायटी का चावल उगाएंगे जिसकी कीमत बाजार में हमें ज्यादा मिलेगी, तो ये चीज ज्यादा अच्छी है बजाय इसके कि हम क्या बोते हैं कि खेत में पैदा ज्यादा हो जाए। क्यों पैदा ज्यादा हो जाए? कि भाई वो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, 3 सिंचाई करनी पड़ती है, एक बार खाद डालनी पड़ती है और फसल हो जाती है, तो ये इस चीज से उबरना पड़ेगा, इससे बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के पैमाने पे जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है बहुत बड़ी है। अभी अगर आप बात करें तो एक आप पिज्जा खाते हैं तो पिज्जा में जितने इंग्रेडिएंट हैं वो सब खेत से आते हैं, उसमें चीज गाय के दूध से या भैंस के दूध से बनाते हैं, उसमें जो सब्जियां पड़ती हैं वो खेत से ही आती हैं, और जो उसका बेस बनता है वो भी मैदे से बनता है, वो गेहूं से आता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप जैसे ही रोटी, जैसे ही गेहूं रोटी में बदलता है, रोटी 15 रुपए की बिकने लगती है एक रोटी, लेकिन अगर गेहूं आप लेंगे तो शायद 15 रुपए में वो आधा किलो मिल जाएगा। तो इन चीजों को समझना पड़ेगा, आप बदलाव के लिए अगर तैयार है तो निश्चित तौर पर आपकी समृद्धि सुनिश्चित है। बिल्कुल अजय प्रकाश जी, सरकार कह रही है कि बिक्री पर भी कोई लगान या उपकर नहीं लगाया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को बढ़ावा देंगे कि किसान जहां चाहे वहां अपना सामान बेच सकता है, ये विरोध क्यों है? हम मतलब किसान भी, जो किसान देख रहे हैं चर्चा वो भी समझे, दूसरे लोग देख रहे हैं और बाकी लोग भी समझे कि भाई विरोध के अंतर में है क्या, क्यों विरोध है? देखिए अभी जिस तरीके से किसान देख रहा है उसे ऐसा लग रहा है कि शायद उसको जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगी, उसको एक तरीके का एक जो वो नेटवर्क है वो नेटवर्क उसका खत्म हो जाएगा, उससे उसका जो है खेत छीन लिया जाएगा, उसको ऐसा सा महसूस हो रहा है। लेकिन जबकि इस प्रकार की चीजों की जगह जिस सोच से इसको लाया गया है वो एक फैसिलिटेट करने का तरीका है कि हम कैसे किसान को, जो हमारा छोटा किसान है, सीमांत किसान है, हम उसको कैसे इस तरीके से जो है ज्यादा उसको सहायता दे सकें, हम कैसे उसके लिए और इस तरीके के तरीके प्रोड्यूस कर सकें, लगा सकें, जिससे कि वो कर सके, एक जिससे कि वो अपना प्रोडक्शन भी कर सके सही से, उसको सही मूल्य मिल सके। मैं अपनी बात को और विजय जी की बात को थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाहूंगा। इसमें खाली हमारी खेती को जो दाम है खाली वही नहीं मिल रहा है, जैसे अभी इन्होंने कहा ना कि पिज्जा का दाम बहुत बढ़ जाता है, तो हम जो पूरे की पूरी जो ये सप्लाई चेन है एग्रीकल्चर की, इसके अंदर हमें कोल्ड स्टोरेज भी चाहिए, इसके अंदर हमको किसी प्रकार की ऐसी जगह चाहिए जहां पे हम स्टोर कर सकें, हम प्रोसेस कर सकें। हमारा जैसे टमाटर है वो बर्बाद हो जाता है, टमाटर को अगर हम प्यूरी के रूप में कर लें तो फिर हमारा वो सॉस के रूप में जाता है, कम समय की फसल है बर्बाद, एक समय बर्बाद हो जाती। आज जो है वो आलू है चाहे वो प्याज है, किसी तरीके का कोई भी हम उसका जो है वो स्टोरेज नहीं कर पा रहे प्रॉपर। हम अगर प्राइवेट प्लेयर को लेकर के आ रहे हैं तो उसमें हमारे पास इस तरीके के स्टोरेज की फैसिलिटीज और कैपेसिटीज भी बढ़ रही हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो बढ़ रही। तो जो किसान का विरोध है वो जो पास्ट में पहले देखता हुआ आ रहा है उसके अनुसार है, लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके की चीजें, यानी सरकार भविष्य देख रही, किसान वर्तमान देख रहा। जी जी जी, टकराव केवल यहाँ है, टकराव इसी जगह के ऊपर, सरकार भविष्य देख करके। इसमें एक बात और रामेन जी, जो अभी इतनी बेचैनी है, देखिए अपोजिशन तो इमोशनल कार्ड खेल के किसानों को गुमराह करने की कोशिश करता है, अभी ऐसा थोड़ी है कि अचानक कंपनियां इंतजार कर रही हैं जैसे कानून लागू हुआ हम दौड़ेंगे और नई नई जबरदस्ती एग्रीमेंट में साइन करो, ऐसा थोड़ी है। जब तक किसान सहमत नहीं होगा तब तक कोई उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा। अच्छा, इतने बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में अगर प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है खरीद में बिक्री में तो भी तो एक अवसर किसान के लिए मिल रहा है। देखिए प्रतिस्पर्धा बढ़ रही ये महत्वपूर्ण है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि किसान को उगाना क्या है उसकी जानकारी हो रही है। मैंने तमाम ऐसे प्रगतिशील किसानों को देखे हैं इसी उत्तर प्रदेश में। एक किसान है अमेठी जिले में, वो केवल साइकस की खेती करता है और साल भर में 20 से 25 लाख रुपए कमाता है। कहीं एक किसान है जो सिर्फ जैसे आप बता रहे हैं वो मिर्च की खेती करेगा तो उससे उसको अच्छी इनकम होगी, उसको पता है कि हमारी मार्केट कहाँ है, वो पूरे समय डेडिकेटेड होके उसको काम करता है। लेकिन बहुसंख्यक हमारे किसान ऐसे हैं जो सरकार की तमाम सुविधाओं का भी जानकारी होते हुए भी लाभ नहीं ले पाते हैं और वो अपनी
फसल में परंपरा को बनाए रखते हैं कि भाई ये धान का खेत है तो धान ही बोएंगे, गेहूं का खेत है तो गेहूं भी बोएंगे। और आप देखिए कई बार जब ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है तो रेट में नहीं मिलते हैं। अभी ये मटर का सीजन है, अगर ये मौसम ठीक रहा जैसा है, खेतों में नमी खूब है, मटर खूब पैदा होगी, पता लगा कि 5 रुपए किलो बिकेगी। अभी जो 40-50 नहीं हो पाती उसको रखने की जगह नहीं होती है। लेकिन अब अगर कोई आपके गांव का व्यक्ति है जिसने कॉन्ट्रैक्ट में, हमारे पास कुल इतना ही समय है। अजय जी आपका, विजय जी आपका बहुत बहुत आभार। देखिए जो भी सरकार कर रही है, सरकार की नीयत साफ है, सरकार किसानों के लिए काम कर रही है और ये पहले टाइम से कर रही है। ऐसा नहीं कि इस सरकार में काम हो रहा है तो किसान भी भरोसा रखे और सरकार के साथ थोड़ा चल के देखे कि क्या सरकार उसके लिए काम कर रही है। हमको लगता है कि सरकार पर अगर भरोसा रखेंगे तो कृषि और किसान, देश तीनों तरक्की करेगा। इसी के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। नमस्कार।